नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। इस साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण आज। सूर्य ग्रहण 9:58 से होगा शुरू, जो दोपहर 2:29 पर हो जाएगा समाप्त। और प्रदेश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72% हुई। राज्य में अब तक 5,367 मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। योग दिवस आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर दिए गए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। ये किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, स्त्री पुरुष, धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है। योगा एनहेंस आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। इट हैज इमर्ज एज ए फोर्स फॉर यूनिटी एंड डीपन्स द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। इट गोज बियॉन्ड रेस, कलर, जेंडर, फेस एंड नेशन। एनी बडी कैन एम्ब्रेस योगा। श्री मोदी ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। यह हमारी श्वास प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रमित करता है। प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यासों से श्वास प्रणाली मजबूत होती है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर ट्वीट संदेश में कहा कि योग शरीर और मन, कार्य और विचार तथा मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक स्वीकार्यता मिली है। इससे पहले योग दिवस पर सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण लोगों को घर पर ही रहकर परिवार के साथ योग दिवस में भाग लेने को कहा गया है। मौजूदा कोरोना महामारी के दौर में योग अत्यंत कारगर उपाय प्रमाणित हुआ है। इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक आरोग्य तथा रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी है। आयुष मंत्रालय योग को बढ़ावा देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए लोगों को विभिन्न योगासन करते हुए अपनी वीडियो क्लिपिंग पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मुंबई फिल्म उद्योग के कई अभिनेताओं ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग किया है। कई अभिनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाले संदेश दिए हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार एक संदेश में कहा है कि योग से पूरी दुनिया के लोग एकजुट होते हैं तथा शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। योग
जीवन जीने का नियम और संयम। लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें आजाद करता है ताकि हम पूरी दुनिया में प्यार और शांति फैला सके। तो आए पूरी दुनिया में शांति और प्यार के मैसेज को फैलाने के लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग अभ्यास शुरू करें। देश के कई हिस्सों में आज इस साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। ये एक बड़ी खगोलीय घटना है। अब से थोड़ी देर बाद सूर्य ग्रहण 9:58 से शुरू होगा और दोपहर 2:29 पर समाप्त होगा। मुद्रिका की तरह ये सूर्य ग्रहण भारत में राजस्थान में अनूपगढ़ और सूरतगढ़, हरियाणा में सिरसा, जाखल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, उत्तराखंड में देहरादून, तपोवन और जोशीमठ क्षेत्र में दिखाई देगा। वहीं देश के शेष भागों में आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे सूर्य ग्रहण देखने के लिए धूप के चश्मे, सामान्य चश्मे, एक्सरे शीट का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि पानी में सूर्य की छवि देखना भी सुरक्षित नहीं है। वेल्डर ग्लास के माध्यम से खुली आंखों से सूर्य को देखा जा सकता है। लोग कार्ड शीट में छेद कर इसे सूर्य की दिशा में रखते हुए नीचे सफेद कागज पर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72% हो गई है। राज्य में अब तक 5,367 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 213 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,503 हो गई है। पटना में सबसे अधिक 396 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद भागलपुर में 351 और बेगूसराय में 347 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 2,136 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 1,51,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना से अब तक 50 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा जिले में कोरोना से सबसे अधिक लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद में 22, पटना में 21, कटिहार में 20, बांका में 18, मधुबनी में 16, समस्तीपुर और सुपौल में 15-15, दरभंगा में 11, अरवल और गया में 10-10, मुंगेर में 9, सीवान में 7, जहानाबाद में 6, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर में 5-5, भागलपुर, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में 4-4, वहीं गोपालगंज, वैशाली, जमुई, लखीसराय, नालंदा और सारण में 1-1 संक्रमितों की पहचान हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। इधर देश में कोविड 19 संक्रमितों की कुल संख्या 4,10,461 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,27,756 है, जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर देश दीपक ने आकाशवाणी को नई दवाओं के बारे में जानकारी दी। दो दवाइयां जो हमारे BCGI है उनकी तरफ से हमें अप्रूवल मिल रहा है, और इनमें से एक दवाई है जो कि माइल्ड से मॉडरेट केसेस में जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में ली जा सकती है, और दूसरी दवाई है जो कि सीवियर फॉर्म के लिए है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म की होगी, जो कि इंजेक्शन के तौर पे दी जाए। हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव इलाज नहीं है। पूरे विश्व भर में इस मामले में रिसर्च बहुत जोरों से चल रही है। जो अभी तक बाकी देशों में जो शोध हुए हैं और हमारे देश में भी जो प्रारंभिक शोध हुए उनके बेसिस पे दो दवाइयों को अप्रूवल मिल रहा है और बहुत ही जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल हो। नई दिल्ली में गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को घर में स्वयं को आइसोलेट करना और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर परिवार का इकलौता सदस्य है जो कि कोरोना से संक्रमित है तो उसे अपने एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए और किसी सदस्य से मिलने जुलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो इस तरह के रूम में अपने आप को आइसोलेट करे जहां उसके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था हो और खाने पीने की व्यवस्था हो। अगर वो अपने आप को आइसोलेट करने में कामयाब होता है तो यह संक्रमण न तो उसके परिवार में फैलेगा और न ही आसपास फैलेगा। पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान अररिया में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही झंझारपुर में 70 मिलीमीटर और बांका में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून की शुरुआत से ही हो रही बारिश के कारण धान की खेती के अनुकूल स्थितियां बनी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि धान की रोपनी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है।
राज्य की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। उत्तर बिहार की बागमती नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा बेनीवाद में भी बागमती खतरे के निशान को पार कर गई है। इधर नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी नदियों में पानी तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज में देर रात 1,32,000 क्यूसेक पानी आ गया है। गंडक नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जलस्तर की निगरानी की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस में सिपाही के 11,880 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। सिपाही भर्ती की परीक्षा 15 जुलाई को पटना हाई स्कूल में आयोजित किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवेश पत्र आज से परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इस परीक्षा से पहले दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षार्थी 2 जुलाई तक एडमिट कार्ड की गलतियों में सुधार करवा सकते हैं। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर कुछ शर्तों के साथ श्रावण माह में प्रदेश के सभी मंदिर और ठाकुरबाड़ी में पूजा करने का निर्देश दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मठ और मंदिरों में 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे। सावनी पूजा को लेकर बिहार धार्मिक न्यास परिषद ने शिवलिंग को हाथ से छूने की अनुमति नहीं दी है। अर्घा के द्वारा ही जलाभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रांगण में केवल शिवलिंग दर्शन की ही अनुमति होगी। बालू के अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण के खिलाफ पटना, भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास में छापामारी के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ अवैध बालू लदी 14 गाड़ियां और 12,000 सीएफटी बालू जब्त की गई है। पश्चिम चंपारण के कटिहार जिले में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। अररिया जिले के सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत घूरना में पुलिस ने एक युवक को देशी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम ने जहानाबाद में सिविल सर्जन कार्यालय के उच्च वर्गीय लिपिक अनिल कुमार को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। लिपिक ने एक चिकित्सक को प्रभारी बनाने के नाम पर रिश्वत की राशि ली थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, पीएम नरेन्द्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रदेश के 32 जिले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल, प्रवासियों को गांव में ही रोजगार, खगड़िया से शुरू हुआ अभियान। दैनिक भास्कर ने प्रदेश में जलस्तर के वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, मॉनसून की शुरुआत में ही गंगा उफान पर, पिछले साल के मुकाबले करीब 1 मीटर ऊपर। प्रभात खबर की सुर्खी है, कोरोना के इलाज के लिए आई दवा 103 रूपये की होगी एक गोली। आज अखबार लिखता है, सावन में शिवलिंग छूने पर रोक। और अब अंत में मुख्य समाचार। आज 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। इस साल का पहला पूर्ण सूर्यग्रहण आज, सूर्यग्रहण 9:58 से होगा शुरू, जो दोपहर 2:29 पर हो जाएगा समाप्त। और प्रदेश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72% हुई। राज्य में अब तक 5,367 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।